नमस्कार, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुफ्त का यश। उन दिनों संयोग से जिला का हाकिम एक रसिक सज्जन थे। इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी खासी ख्याति प्राप्त कर ली थी। ईश्वर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें इस ऐतिहासिक छानबीन के लिए समय कैसे मिल जाता था। वहां तो जब किसी अफसर से पूछिए तो वह यही कहता है, मारे काम के मरा जाता हूँ, सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। शायद शिकार और सैर भी उनके काम में शामिल हैं। उन सज्जन की कीर्तियाँ मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था, लेकिन उनकी अफसरी किसी प्रकार की घनिष्ठता में बाधक थी। मुझे संकोच होता था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, और मैं किसी दशा में भी यह इल्जाम अपने सिर पर लेना नहीं चाहता था। मैं तो हुक्काम की दावतों और सार्वजनिक उत्सवों में नेवता देने का भी विरोधी हूँ, और जब कभी सुनता हूँ ना कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सभापति बनाया गया, या कोई स्कूल, औषधालय या विधवा आश्रम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया, तो अपने देश बंधुओं की दास मनोवृत्ति पर घंटों अफसोस करता हूँ। मगर जब एक दिन जिला के हाकिम ने खुद मेरे नाम का रुक्का भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट स्वीकार करेंगे, तो मैं बड़े दुविधा में पड़ गया। मैं क्या जवाब दूँ इनको? अपने दो एक मित्रों से भी सलाह ली। उन्होंने साफ कहा, अरे साफ लिख दीजिए ना कि मुझे फुर्सत नहीं है। वह जिला के हाकिम होंगे तो अपने घर के होंगे, कोई सरकारी जाब्ते का काम होता तो आपका जाना अनिवार्य था, लेकिन निजी मुलाकात के लिए जाना आपकी शान के खिलाफ है। आखिर वह खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए? इससे क्या उनकी शान में बट्टा लग जाता था? इसलिए तो खुद नहीं आए ना कि वह हाकिम है जिला के। इन अहमक हिंदुस्तानियों को कब यह बात समझ में आएगी कि दफ्तर के बाहर भी वैसे ही साधारण मनुष्य हैं जैसे हम और आप। शायद ये लोग अपने घर वालियों से भी अफसरी जताते होंगे, अपना पद उन्हें कभी नहीं भूलता। एक मित्र ने, जो लतीफों के चलते फिरते तिजोरी हैं, हिंदुस्तानी अफसरों के विषय में कई बड़ी मनोरंजक घटनाएं सुनाई। एक अफसर साहब ससुराल गए, शायद स्त्री को विदा कराना था। जैसा कि आम रिवाज है ना, ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचित न समझा। कहने लगे, बेटा इतने दिनों बाद आई है, अभी कैसे विदा कर दूं भला, 6 महीने तो रहने दो। उधर धर्मपत्नी जी ने भी नाइन से संदेश कहला भेजा, मैं अभी नहीं जाना चाहती, आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है, कुछ तुम्हारे साथ बिक थोड़े गई हूँ। दामाद साहब अफसर थे, जामे से बाहर हो गए, तुरंत घोड़े पर बैठे और सदर की राह ली। दूसरे ही दिन ससुर जी पर सम्मन जारी कर दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड़की को साथ लेकर दामाद की सेवा में जा पहुंचा, तब जाके उनकी जान बची। ये लोग ऐसे मिथ्याभिमानी होते हैं। और फिर तुम्हें हाकिम जिला से लेना ही क्या? अगर तुम कोई विद्रोहात्मक गल्प या लेख लिखोगे ना तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाओगे। हाकिम जिला जरा भी मुरव्वत ना करेंगे, कह देंगे यह गवर्नमेंट का हुक्म है, मैं क्या करूं। अपने लड़के के लिए कानून गोई या नायब तहसीलदारी की लालसा तुम्हें है नहीं, व्यर्थ क्यों दौड़े जाओ। लेकिन मुझे मित्रों की यह सलाह पसंद ना आई। एक भला आदमी जब निमंत्रण देता है तो केवल इसलिए अस्वीकार कर देना कि हाकिम जिला ने भेजा है, नहीं ये सही नहीं है। बेशक हाकिम साहब मेरे घर आ जाते तो उनकी शान कम ना होती, उदार हृदय वाला बेतकल्लुफ चला आता, लेकिन भाई जिले की अफसरी बड़ी चीज है, और एक उपन्यासकार की हस्ती ही क्या है।
इंग्लैंड या अमेरिका में गल्प लेखकों और उपन्यासकारों की मेज पर निमंत्रित होने में प्रधानमंत्री भी अपना गौरव समझेगा। हाकिम जिला की तो गिनती ही क्या है। लेकिन भाई यह भारतवर्ष है जहां हरेक रईस के दरबार में कवि सम्राटों का जत्था रईस के कीर्तिमान के लिए जमा रहता था और आज भी ताजपोशी में हमारे लेखक वृंद बिना बुलाए राजाओं की खिदमत में हाजिर होते हैं, कसीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं। तुम ऐसे कहां के बड़े वो हो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर चला आए? जब तुम में इतनी अकड़ और तुनुक मिजाजी है तो वह तो जिले का बादशाह है, अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है। इसे उसकी कमजोरी कहो, बेहूदगी कहो, मूर्खता कहो, उज्जड़ता कहो, फिर भी उचित है। देवता होना गर्व की बात है लेकिन मनुष्य होना भी अपराध नहीं। और मैं तो कहता हूं ईश्वर को धन्यवाद दो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर नहीं आए, वरना तुम्हारी कितनी भद होती। उनके आदर सत्कार का सामान तुम्हारे पास कहाँ था? ढंग की एक कुर्सी भी तो नहीं है। उन्हें क्या तीन टांगों वाले सिंहासन पर बैठाते या मटमैले जाजिम पर? तीन पैसे की 24 बीड़ियां पीकर दिल खुश कर लेते हो? है सामर्थ्य रुपए के 2 सिगार खरीदने की? तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वह सिगार मिलता कहाँ है और उसका नाम क्या है। अपना भाग्य सराहो कि अफसर साहब तुम्हारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया। 4-5 रुपए बिगड़ भी जाते और लज्जित भी होना पड़ता। और कहीं तुम्हारे परम दुर्भाग्य और पापों के दंड स्वरूप उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ आ जाती ना, तब तो तुम्हें धरती में समा जाने के सिवा और कोई ठिकाना ना मिलता। तुम या तुम्हारी धर्म पत्नी उस महिला का सत्कार कर सकती थी? तुम्हारी तो घिघी बंद जाती साहब, बदहवास हो जाते। वह तुम्हारे दीवान खाने तक ही ना रहती जिसे तुमने गरीबमय ढंग से सजा रखा है। वहां तुम्हारी गरीबी अवश्य है पर फूहड़पन नहीं। अंदर तो पग पग पर फूहड़पन के दृश्य नजर आते। तुम अपने में फटे पुराने पहनकर और विपन्नता में मगन रहकर जिंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी आत्माभिमानी आदमी वह पसंद नहीं करता कि उसकी दुर्व्यवस्था दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बने। इन लेडी साहिबा के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती। चुनांचे मैंने हाकिम जिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यद्यपि उनके स्वभाव में कुछ अनावश्यक अफसरी की शान थी, लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने उसे यथासाध्य प्रकट न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया। अफसराना प्रकृति को तब्दील करना उनकी शक्ति के बाहर था। मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की कोई बात न थी, महत्व न दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, कुछ गपशप किया और लौट आया। किसी से इसका जिक्र करने की जरूरत ही क्या, मानो भाजी खरीदने बाजार गया था। लेकिन टोहियों ने जाने कैसे टोह लगा लिया। विशेष समुदायों में यह चर्चा होने लगी कि हाकिम जिला से मेरी बड़ी गहरी मैत्री है और वह मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। अतिशयोक्ति ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया। यहां तक मशहूर हुआ कि वह मुझसे सलाह लिए बगैर कोई फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई भी समझदार आदमी इस ख्याति से लाभ उठा सकता था। स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है, तिनके का सहारा ढूंढता फिरता है। ऐसों को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल न था कि मेरे द्वारा उनका काम निकल सकता है। लेकिन मैं ऐसी बातों से घृणा करता हूँ। सैकड़ों व्यक्ति अपनी कथाएं लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेजा ज्यादती की थी, कोई इनकम टैक्स वालों की शक्तियों से दुखी था,
किसी की यह शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी हक तलफी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को धनाधन तरक्कियां मिल रही हैं। उसका नंबर जब आता है तो कोई परवाह नहीं करता। इस तरह का कोई न कोई प्रसंग नित्य ही मेरे पास आने लगा, लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र आ टपके। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे, कोई 45 साल पुरानी बात है। मेरी उम्र तब 19 साल से अधिक ना थी, वह भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे, लेकिन मुझसे कहीं बलवान और रिष्ट पुष्ट। मैं जहीन था, वह नीरे कौदन। मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया था। अपने से दुगने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ाता। फल यह हुआ कि मौलवी साहब की छड़ी जहां असफल रही, वहां मेरा प्रेम सफल हो गया। बलदेव चल निकला, खालिक बारी तक जा पहुंचा, मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वह शाखा टूट गई। उनके छात्र भी इधर उधर हो गए। तब से बलदेव को केवल मैंने 2-3 बार रास्ते में देखा था। मैं अब भी वही सिकिया पहलवान हूं और वह अब भी वही भीम काय। राम राम हुई, क्षेम कुशल पूछा और अपनी अपनी राह चले गए। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मजे में तो हो, कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बलदेव ने व्यथित कंठ से कहा, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई, और क्या, तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। याद करो वह मकतब वाली बात, जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे, तुम्हारी बदौलत 4 अक्षर पढ़ गया और अपनी जमींदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं तो मूर्ख ही बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई, सच कहता हूँ, मुझ जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। ना जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ। तुम जो पढ़ाते थे ना, वह बिना याद किए ही याद हो जाता था। तुम तब भी बड़े जहीन थे। यह कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा। मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूँ। सजल नेत्र होकर बोला, मैं तो तुम्हें जब देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले लिपट जाऊं। 45 वर्ष का युग मानो बिल्कुल गायब हो जाता है। वह मकतब आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है। बलदेव ने भी द्रवित कंठ से उत्तर दिया, मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना इष्ट देव समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ छाती गज भर की हो जाती है कि वह देखो, वह मेरा बचपन का संगी जा रहा है, जो समय आ पड़ने पर कभी दगा ना देगा। तुम्हारी बड़ाई सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन यह बताओ, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? कुछ खाते पीते क्यों नहीं, सूखते क्यों जाते हो? घी ना मिलता हो तो 2-4 कनस्तर भिजवा दूँ। अब तुम भी बूढ़े हुए, खूब डट कर खाया करो। अब तो देह में जो कुछ तेज और बल है, वह केवल भोजन के अधीन है। मैं तो अब भी शेर भर दूध और पाव भर घी उड़ाए जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मार मिटे। अब कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर आज कंधा डाल दूं
तो कोई एक लोटे पानी को ना पूछे। इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ। घर पर अपना रोब बना हुआ है, वही जो तुम्हारा जेठा लड़का है उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। जवानी के मद में किसी को कुछ सूझता नहीं है, भी अच्छा खासा पहलवान। दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब से घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया, दरोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया। आज एक सप्ताह से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील डिप्टी के इल्जास में है और मोहम्मद खलील और दारोगा जिससे दांत कटी रोटी है, अवश्य सजा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है, और कोई आशा नहीं है। सजा तो होगी जो होगी, इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो भाई कि मुकदमा झूठा है, आप खुद चलकर तहकीकात कर लें। बस देखो भाई, बचपन के साथी हो, ना नहीं करना। जानता हूँ तुम इन मामलों में नहीं पड़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम प्रजा की लड़ाई लड़ने वाले जीव हो, तुम्हें सरकार के आदमियों से मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं, नहीं तो जनता की नज़रों से गिर जाओगे। लेकिन यह घर का मामला है भाई, इतना समझ लो कि मामला बिल्कुल झूठ ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आता। लड़के की माँ रो रो कर जान दिए डालती है, बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है, 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं तो थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू तो निराहार पड़ी हुई है। अगर बच्चा को सजा हो गई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर उन्हें ढाढ़स दिया है कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक पुस्तक पढ़ी है, वह तो तुम्हें देव तुल्य समझती है, और जब कोई बात होती है ना तो तुम्हारी नज़ीर देकर मुझे लज्जित करती है। मैं भी साफ कह देता हूँ, मैं उस छोकरे की सी बुद्धि कहाँ से लाऊं? तुम्हें उसकी नज़रों से गिराने के लिए तुम्हें छोकरा, मरियल सभी कुछ कहता हूँ, पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता। मैं बड़े संकट में पड़ गया। मेरी ओर से जितनी आपत्तियाँ हो सकती थी उन सब का जवाब बलदेव ने पहले से ही दे दिया था, इनको फिर दोहराना व्यर्थ था। इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साहब से कहूँगा। हाँ, इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने से विशेष ख्याल किया जाए, क्योंकि सरकारी मामलों में हुक्काम हमेशा अपने मातहतों का पक्ष लिया करते हैं। बलदेव सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, इसकी चिंता नहीं, तकदीर में जो लिखा है वह तो होगा ही, बस तुम जाकर कह भर दो। अच्छी बात है, तो कल जाओगे ना? हाँ अवश्य जाऊंगा। यह जरूर कहना कि आप चलकर तहकीकात कर लें। हाँ यह जरूर कहूंगा। और यह भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है। झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर ना करो। तुम मेरे भाई नहीं हो, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। अच्छा बाबा, यह भी कह दूंगा। बलदेव सिंह को विदा करके मैंने अपना खेल समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेटा। मैंने उससे गला छुड़ाने के लिए झूठा वादा कर दिया। मेरा इरादा हाकिम जिला से कुछ कहने का नहीं था। मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुकाम आम तौर पर पुलिस के मामलों में दखल नहीं देते, इसलिए सजा हो भी गई तो मुझे यह कहने की काफ़ी गुंजाइश थी।
कि साहब ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। कई दिन गुजर गए थे, मैं इस वाक्य को बिल्कुल भूल गया था। सहसा एक दिन बलदेव अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदब से एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया भैया, साहब ने दरोगा को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो, अगर फिर ऐसा झूठा मुकदमा लाए ना तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दरोगा जी बहुत झेंपे, मैंने उन्हें झुककर सलाम किया, बच्चा पर घड़ों पानी पड़ गया। यह तुम्हारी सिफारिश का चमत्कार है भाईजान, अगर तुमने मदद ना की होती तो हम तो तबाह हो गए थे। यह समझ लो कि तुमने चार प्राणियों की जान बचा ली। मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था, लोगों ने कहा था उनके पास नाहक जाते हो, वह बड़ा बेमुरव्वत आदमी है, उसकी जात से किसी का उपकार नहीं हो सकता। आदमी वह है जो दूसरों का हित करे, वह क्या आदमी जो किसी की कुछ सुने ही नहीं। लेकिन भाईजान, मैंने किसी की बात न मानी, मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था, तुम चाहे कितने ही रूखे और बिलाग हो लेकिन मुझ पर अवश्य दया करोगे। यह कहकर बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया, वह बाहर गया और एक बड़ा सा गट्ठर उठा लाया जिसमें भांति भांति की देहाती सौगातें बंधी हुई थी। हालांकि मैं बराबर कहे जाता था, तुम ये चीजें नाहक लाए, इनकी क्या जरूरत थी, कितने गंवार हो, आखिर तो ठहरे देहाती। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो साहब के पास गया भी नहीं, लेकिन कौन सुनता है। खोया, दही, मटर की फलियां, अमावट, ताजा गुड़ और जाने क्या क्या आ गया। मैंने कहने को तो एक तरह से कह दिया, मैं साहब के पास गया ही नहीं, जो कुछ हुआ खुद हुआ, मेरा कोई एहसान नहीं है। लेकिन उसका मतलब यह निकाला गया कि मैं केवल नम्रता से और सौगातों को लौटा देने का कोई बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मुझे इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता। इसका जो अर्थ निकाला गया वही मैं चाहता था, मुफ्त का एहसान छोड़ने का जी न चाहता था। अंत में जब मैंने जोर देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना, नहीं तो मेरे पास फरियादियों का मेला लग जाएगा, तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोरों से की। तो ये थी कहानी मुफ्त का यस। कहानी पसंद आई ना आपको? मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर कहानी पसंद आई। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।